अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मरी हिल्स एंड टूरिज़म और मैं हूं साजिद अमीन कुरैशी। आज है जी संडे और 2024 मई 19 तारीख। आप हैं इस वक्त मेरे साथ जीपीओ चौक। और ये जो है वो इस पुराना सिरोज गली होती थी जी, अब हम इसको कहते हैं कि ये है फूड स्ट्रीट। और फूड स्ट्रीट इसलिए कहते हैं इसको कि यहाँ होटल हैं खाने पीने के लिए, कढ़ाई वगैरह या इस तरह की कढ़ाई और टिक्का विक्का जो भी लोग शौक से खाते हैं वो इन्हें इजीली मिल जाए। ये देखे ना कि लोगों ने जुम्मा हफ्ता मनाया और आज इतवार है तो वापसी कर रहे हैं जी। रोड भी खाली, हालांकि कल इस टाइम रोड थोड़ी देर रहा, गाड़ियां थोड़ी सी ज़्यादा हुई, इर्द गिर्द लोग गए, आज जो है वो रिवर्स आ रहे हैं जी, बस वापसी कर रहे हैं क्योंकि छुट्टियां ख़त्म, मंडे से वर्किंग डे, इसलिए आज शाम को लोग जा रहे हैं। अब जी यहाँ मैं एक बात आपको और बताऊं कि यहाँ इस रोड पे जिका गली से जो ऊपर आता है इस साइड पे, यहाँ इस जगह पे स्पाइक्स थे, ये जैसे नीचे होटल और यहाँ था स्पाइक्स थे, और बहुत लोगों ने वीडियोस भी अपलोड की और बड़ा कुछ किया, तो उसके बाद फिर ये देख सकते हैं कि रोड बेहतरीन हो गए जी। अब यहाँ अभी जब मैं तो कहता हूँ अब ना लगाएं वो, क्योंकि बड़े गरीब लोगों का नुकसान हुआ है यहाँ, तो चंद तो देखे ना जो लोग हैं वो मालदार असामी हैं जो ज़रा वो ख़र्चा कर भी सकते हैं, तो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो लोग आते हैं जी बड़ी मुश्किल से, तो वो जब उनके टायर ही फट जाते थे, चार चार टायर इकट्ठे लोगों के फटते रहे जी, तो उनके लिए तो टेंशन ही थी। तो ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि सेट हो गया, अब ये स्पाइक्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि जो ही लगेंगे तो मैंने इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करनी है ताकि टूरिस्ट जो आएँ उन्हें उस कोई टेंशन ना हो जी, ठीक है। और क्योंकि कई लोगों को तो ये था कि यहाँ बहुत नुकसान हुआ उन लोगों का, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो वीडियोस काफ़ी अपलोड की और उसका असर ये हुआ कि ये रोड तैयार भी हो गया जी और स्पाइक्स भी ख़त्म हो गए। तो बस यही सीन है जी, रोड आज खाली है और ये देख लें अपनी तबीयत भी कोई नासाज है, इसलिए आवाज़ में भी कुछ थरथराहट सी महसूस होती होगी आपको। और ये देख लें आप कि ये बिल्डिंग है होटल ईस्ट व्यू, ठीक है जी। तो अब इसलिए याद करवाते हैं कि टूरिस्ट ने जब भी आना हो कांटेक्ट करें और ज़रूर आएं। ये है जी होटल ईस्ट व्यू, आपका जाना पहचाना। और ये रूम भी चेक करवाता हूँ आपको, ये देखें ना रूम, ये देखें आप, ये देख सकते हैं ना आप हमारे रूम्स की
ये है जी कि लोग आते ही इसीलिए कि हमारे रोम में सफाई इसका बहुत ख्याल रखा जाता है जी, और हर चीज़ आपको अवेलेबल, LCD होगी, सर्दियों में तो सेंट्रल हीटिंग तो आप चलती ही नहीं, तो ये है जी। कई लोगों को वॉशरूम का होता है जी कि भाई किस तरह का है वो, गंदा तो नहीं, तो ये देखें ये वॉशरूम, ये शावर बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी कंपनी का जो है ना हमारे सेट लगे हुए हैं, ये मैं आपको बताऊं, और शाइनी सेट। ये देख सकते हैं आप, ये हैं जी इस तरह के रूम्स हैं हमारे पास, यानी ये तो कपल रूम है। साथ ये देखें, अगर दो चार बंदे एडजस्ट हो सकते हैं, अगर फैमिली होती है, बच्चे होते हैं साथ, तो मैट्रेस वगैरह भी अवेलेबल होता है। तो ये है जी, तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ये जी मेरी तबीयत आज गड़बड़ है, वरना मैं ज़रा आवाज़ में अगर गड़बड़ है तो आपने एडजस्ट करना है जी। और जिन लोगों को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाता है जी वो ना छेड़ें, क्योंकि वो तो सब्सक्राइब ही है ना, तो बस ये ख्याल किया करें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे दूर दराज के हैं, नज़दीक के हैं, रिलेटिव हैं, जितने भी हैं, वो सब वीडियोस देखते हैं जी मेरी, और उनका भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया। तो व्यू देखें जी, ये रूम से ये देखें, ये रूम, और ये मैं रूम से बाहर निकलता हूँ तो साथ ही आप व्यू देखें, वो नीचे भी टेरेस है, ये ऊपर भी स्टेयर्स पे जाके आप बड़ा एंजॉय करते हैं जी, नेचुरल पन है यहाँ।